नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ध्येय टीवी के स्टैटिक एमसीक्यूज प्रोग्राम में। मेरा नाम है केसरी पांडे। जैसा कि आप जानते हैं, धेआईएस ने विभिन्न लोक सेवा आयोगों की आगामी प्रारंभिक परीक्षाओं को देखते हुए करंट अफेयर्स से अलग स्टैटिक पार्ट से संबंधित बहुविकल्पीय प्रश्नों की एक श्रृंखला शुरू की है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के स्टैटिक एमसीक्यूज का, जिसमें हम डिस्कस करेंगे पर्यावरण के प्रश्नों को। इस तरह लेते हैं पहला प्रश्न। एक कीट भक्षक जिसकी चिपचिपी जीभ होती है और उसके शरीर से लंबी होती है उसकी जीभ, इसके शरीर पर शल्क होते हैं जो उसी पदार्थ से बने होते हैं जिससे इंसानों के बाल बनते हैं। ये सबसे अधिक अवैध कारोबार किए जाने वाले स्तनपायी प्रजातियों में से एक है। भारत में इस जीव की दो प्रजातियां पाई जाती हैं। एक प्रजाति भारत भर में व्यापक रूप से पाई जाती है और दूसरी पूर्वोत्तर भारत में पाई जाती है। भारत में दोनों को उसी स्तर की कानूनी सुरक्षा प्राप्त है जो कि बंगाल टाइगर को प्राप्त है। ये जीव कौन सा है? आपके ऑप्शंस हैं ए आर्मडिलो, बी पेंगोलिन, सी विशाल चींटी भक्षक अथवा डी बिनतुरोंग, जिसे कि हिंदी में भालू बिल्ली भी कहते हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, यानी ऊपर बताई गई जो खूबियां हैं प्रश्न में वो पेंगोलिन की हैं। यह साल भर काफी चर्चा में रहा ये जीव। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। भारत में पेंगोलिन की दो प्रजातियां पाई जाती हैं, पहला इंडियन पेंगोलिन और दूसरा चाइनीज पेंगोलिन। इसके संरक्षण स्तर को जान लेते हैं। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 में ये अनुसूची एक में शामिल है। साइट्स के परिशिष्ट वन में शामिल है। आईयूसीएन स्थिति की बात करें तो भारतीय पेंगोलिन के लिए संकटग्रस्त और चीनी पेंगोलिन के लिए गंभीर रूप से संकटग्रस्त का दर्जा हासिल है। इसको अवैध शिकार और प्राकृतिक आवास का नष्ट होना जैसे खतरे हैं। और बात इसके व्यापार की करें तो जीवित पेंगोलिन और उसके शल्क और मांस का काफ़ी ज़्यादा अवैध तरीके से व्यापार किया जा रहा है। बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से किन किन राज्यों में चीड़ के वन पाए जाते हैं? चीड़ एक प्रकार का वृक्ष होता है। पहला हिमाचल प्रदेश, दूसरा सिक्किम, तीसरा उत्तराखंड और चौथा मध्य प्रदेश। आपके ऑप्शंस हैं ए केवल एक, दो और चार, बी केवल एक, दो और तीन, सी केवल दो, तीन और चार अथवा डी एक, दो, तीन और चार। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। चीड़ देवदार हिमालय की अंतर श्रेणियों और प्रमुख घाटियों की स्थानीय वृक्ष प्रजाति है, यानी ये हिमालयी इलाके में पाई जाती है जो पश्चिम में अफगानिस्तान से लेकर पूर्व में यानी पूर्व में भूटान तक तथा मध्य में पाकिस्तान, भारत और नेपाल में पाई जाती है। भारत में इसके वन जम्मू और कश्मीर, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और सिक्किम के कुछ हिस्सों, पश्चिम बंगाल और अरुणाचल प्रदेश में पाए जाते हैं। इसीलिए विकल्प बी सही है, ये मध्य प्रदेश में नहीं पाया जाता। बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। वन्य जीवों और उनकी आयुष्यन की सात सूची में श्रेणी के आधार पर निम्नलिखित युग्म में से कौन सात व कौन से सही सुमेलित हैं? पहला चीरू संकटमय है, दूसरा मालाबार गंध बिलाव जिसे कि सीवेट भी कहते हैं, ये गंभीर संकटग्रस्त है, तीसरा रेड पांडा जो कि गंभीर संकटग्रस्त की श्रेणी में है और चौथा डुगोंग जो कि सुभेद की श्रेणी में है। आपके ऑप्शंस हैं ए केवल एक, दो और चार, बी केवल एक, दो और तीन, सी केवल दो, तीन और चार अथवा डी एक, दो, तीन और चार। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, यानी केवल एक, दो और चार वाले जो पेयर हैं वही सही सुमेलित हैं। तीसरा पेयर सही सुमेलित नहीं है, यानी रेड पांडा गंभीर संकटग्रस्त की श्रेणी में नहीं है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। डुगोंग को समुद्री गाय भी कहा जाता है। इसकी आयुष्यन स्थिति सुभेद्य है यानी वल्नरेबल है। इसको शिकार यानी मांस और तेल के लिए, इसका समुद्री पर्यावास का नष्ट होना और मानवीय मत्स्य यानी मछली मारने की जो घटना है, इन सभी गतिविधियों की वजह से इसको काफ़ी खतरा है डुगोंग को। बात रेड पांडा की करें तो इसकी आयुष्यन स्थिति एंडेंजर्ड है, यानी क्रिटिकली एंडेंजर्ड नहीं है, यानी गंभीर रूप से संकटग्रस्त की श्रेणी में ये नहीं है। ये नेपाल, भारत के मेघालय पठार और उत्तर पूर्व भारत में, भूटान में, म्यांमार में, दक्षिणी चीन आदि में पाए जाते हैं। समशीतोष्ण वन इसका मुख्य पर्यावास है जिसमें बांस, वृक्ष,
प्रमुख हैं। बात रेड पांडा की हो रही है, इसको खतरा है इसके पर्यावास के नष्ट होने से, यानी इसके आवास के नष्ट होने से, विखंडन होने से, शिकार होने से, और अंतः प्रजनन और अवसाद, यानी जानवरों को भी अवसाद होता है, डिप्रेशन होता है। मालाबार सीवेट की बात करें तो इसकी आयुष्यन स्थिति अत्यंत यानी गंभीर रूप से संकटग्रस्त की श्रेणी में है। ये पश्चिमी घाट की स्थानिक प्रजाति है। ये कन्याकुमारी से लेकर वायनाड तक पश्चिमी घाट के तटीय जिलों में और कर्नाटक के कूर्ग में भी पाया जाता है। इसके आवास के नष्ट होने से और सीवेट आयल के लिए इसका काफ़ी बड़े पैमाने पर शिकार किए जाने से इसको काफ़ी खतरा है। चीरू की बात करें तो आयुष्यन स्थिति इसकी संकट में है, यानी नियर थ्रेटेंड है। ये चीन और भारत में, भारत के जम्मू कश्मीर इलाके में ऊंचाई वाले मैदानों और पहाड़ी वाले इलाके में पाया जाता है। पठारी और पर्वतीय घाटी में भी ये पाया जाता है। शाहतोश या फर यानी रोए के लिए इसका शिकार किया जाता है। इसका इस्तेमाल बेशकीमती शॉल बनाने में होता है। ये इसके कारण इसको काफ़ी खतरा है, चूँकि इसके रोए के लिए इसका शिकार बहुत किया जाता है चीरू का। अतः विकल्प ए सही है। बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की ओर। समुद्री वनस्पति संबंधी संसाधनों के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा अथवा कौन से कथन सत्य हैं? पहला, समुद्री घास जिम्नोस्पर्मिक पौधे हैं जो भारत में तमिलनाडु के दक्षिण पूर्वी तट पर पाए जाते हैं। दूसरा, समुद्री शैवाल का उपयोग गलगंड के उपचार और आंतों और पेट की बीमारियों में दवा के रूप में किया जाता है। विकल्प हैं ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, अथवा डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, यानी केवल कथन दो सत्य है, कथन एक गलत है। कैसे गलत है इसके लिए देखते हैं व्याख्या को। समुद्री घास यानी सीग्रासेस एंजियोस्पर्मिक यानी जिम्नोस्पर्मिक नहीं होते हैं, बल्कि ये एंजियोस्पर्मिक होते हैं। ये समुद्री पुष्पीय पौधे हैं जो घास जैसे दिखते हैं। ये पुष्प उत्पन्न करते हैं यानी इनमें फूल लगते हैं। उनके फीतेदार या अंडाकार पत्ते होते हैं और उनमें जड़ प्रणाली मौजूद होती है। वे उथले तटीय जल में रेतीले या कीचड़ भरे तल में बढ़ते हैं और उन्हें तुलनात्मक रूप से शांत जल की आवश्यकता होती है। इसीलिए कथन एक सही नहीं है, जबकि कथन दो सही है। बढ़ते हैं आज के इस कार्यक्रम के अंतिम प्रश्न की ओर, यानी पांचवें प्रश्न की ओर। फ्लोटिंग ट्रीटमेंट वेटलैंड यानी FTW के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा अथवा कौन से कथन असत्य है? पहला, FTW में लगे कुछ पौधे पानी में मौजूद अतिरिक्त नाइट्रेट्स और ऑक्सीजन जैसे पोषक तत्व को अवशोषित करके जीव को साफ करने में मदद करते हैं। दूसरा, फ्लोटिंग ट्रीटमेंट वेटलैंड मृदा से निर्मित तकनीक पर आधारित है, मृदा यानी मिट्टी। तीसरा, इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स ने इसे देश के सबसे बड़े फ्लोटिंग ट्रीटमेंट वेटलैंड के रूप में चिन्हित किया है। और चौथा, फ्लोटिंग ट्रीटमेंट वेटलैंड में तुलसी और अश्वगंधा के पौधों को सफाई एजेंट के रूप में लगाया जाता है। ऑप्शंस हैं ए केवल एक और तीन, बी केवल दो, सी केवल तीन और चार, अथवा डी एक दो और तीन। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, यानी केवल कथन दो असत्य है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। फ्लोटिंग ट्रीटमेंट वेटलैंड मृदा रहित हाइड्रोपोनिक्स तकनीक के आधार पर बना है, यानी इसमें मिट्टी शामिल नहीं होती है। इसमें चार परतें शामिल हैं। पानी में तैरने वाले बांस से इसका आधार बनाया जाता है, जिस पर स्टायरोफोम क्यूबिकल बिछाए जाते हैं। तीसरी परत बोरियों से तैयार की जाती है और अंतिम परत कंकड़ से बनाई जाती है। अतः केवल कथन दो असत्य है, बाकी सभी कथन सत्य हैं। तो ये था आज का स्टैटिक MCQs कार्यक्रम। कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा कि आपके पांच में से कितने प्रश्न सही हुए। अगर आपको ये कार्यक्रम अच्छा लगा तो DIS के इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब अथवा शेयर करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि आपको हमारे आने वाले सभी प्रोग्राम्स का नोटिफिकेशन मिलता रहे। अगले दिन हम फिर हाजिर होंगे एक नए विषय के स्टैटिक MCQs के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए। नमस्कार।